यहाँ पे हमारी अभी आरती हो रही है। गाइस हम आ चुके हैं अपने ग्राउंड में, तो आप सभी को जय श्री राम सामान्य। तो भी हम हैं अपने यहाँ पे कपड़े वपड़े बदलते हैं, मतलब मेकअप वगैरह करते हैं। तो आज हमारे दोस्तों का भी रोल है, आज इनका राक्षस का रोल है, आज इसका द्वारपाल का रोल है। आज बाकी अभी मेकअप हो रहा है हमारा, वगैरह दिखाएंगे आपको। ये हमारे राम जी, इनका रोल भी आएगा आज। अभी कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरे में मेकअप रूम में जाएंगे, फिर दिखा दें आपको। उसी मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रही है। हेलो तो कर दे भाई, जब देखो हंसते रहते हैं, जब देखो हंसते रहते हैं भाई। ये हमारे रावण भाई का, मामा जी का मेकअप हो रहा है आज। ये देखिए इनका भी रोल है आज। कॉन्टेक्ट करें रावण का रोल ज़्यादा मत। और गाइस हमारे म्यूजिक वाले मास्टर, ये हमारे गुरुजी और ये हमारे सब्सक्राइबर वाले मास्टर, अभी एक घर तो वहाँ पे चल रही है, अभी हो गई बस खुलने वाला सीन। गाइस ये हमारे क्यूट क्यूट, देखिए कितने क्यूट राक्षस है, देखिए पूरे खानदानी राक्षस आए। इनका भी रोल है हमारे अंकल जी का, कल उन्होंने बहुत ही प्यारा रोल किया विभीषण जी का, आज भी इनका रोल है। वैसे क्या है, मुनि जी का रोल है, हाँ दोनों हैं। बाकी हमारे राक्षस तैयार हो गए हैं। ये हमारा सस्ता बोही मियाँ फ्रॉम नापतोल और हमारे अंकल जी भी तैयार हो रहे हैं, इनका भी रोल है। राजा जनक का रोल है इनका, बहुत ही प्यारा रोल करते हैं, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। बाकी अब सीधा इनको आप स्टेज पर देखिएगा, तो बस थोड़ी देर में हमारी आरती स्टार्ट होने वाली है, चलेंगे आरती पर। उन्हें मारने का समय निकट आ चुका है।
इधर उधर बंद कंदराओं में जाकर ऋषि मुनियों को तंग करो और उनके यज्ञ में विघ्न बाधा डालो। के पास रखा ही क्या है, जो भी कल रूप में हम आपके महाराजा को दे सके। क्यों मुनि जी, आपका क्या विचार है? नहीं नहीं, तुम्हें कल देना ही पड़ेगा। यदि धन नहीं है तो की ही सही। अरे भले भाइयों, इस धोती लंगोटी तथा रक्त और मांस के सिवा हमारे पास है ही क्या? यदि इनमें से कोई चीज आपके महाराजा को चाहिए तो ले लीजिए।
देखकर, नहीं तो फोड़ देंगे इसे। अरे इस बुरे का तो फिर गया सर, हमें तो कर चाहिए कर। अच्छा भाई, तो हम अपना रथी दे देते हैं। दो इसे दो, आपने महाराज से कहना यह हमारा रक्त रक्तपूर्ण घड़ा है, इस घड़े का मुंह खुलते ही तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। शंकर के मंत्री जी, हमारे दूत राज्य कर लेने गए थे किंतु अभी तक वापस नहीं आए। महाराज यहां देखो, वही आ गए हैं। महाराज, मुनियों ने कहा है कि रावण ये घड़ा देकर कहना कि इस घड़े में मुंह खुलते ही सारा उलट पुलट हो जाए। महाराज उलट पुलट, महाराज क्या कहा, घेरा पार हो जाएगा। उत्तर दिशा में ले जाओ और अपने सहित वहां कार चलाओ। भाइयों जा तो रहे हो, ये उत्तर कहां है? वहां है, चलो उत्तर चलो। हे भगवान, क्या मैं इस संसार से इसी प्रकार हताश होके जाऊंगा? सूर्य बंदी की समाधि का कलर
मेरे ही मनुष्य माथे पे लिखना था। महाराज आप चिंतित जान पड़ते हैं, क्या मुझे भी आप कुछ बताएंगे? व्याकुल होवा शोभा नहीं देता। अच्छा मंत्री जी, शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ जी को बुलाइए। गुरु जी प्रणाम। कल्याण हो राजन। राजन आपके चेहरे का इस प्रकार उदार होना कुछ समझ नहीं आया। था मुझको
औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से उम्मीद मुझे सब तरह से हुई ना उम्मीद मुझे अब जवा ना जवानी का के जाने लगी जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी अब अवस्था बूढ़ा देखी ईश्वर की कृपा है, परंतु बस यही एक चिंता मेरे मन में व्याप्त है। अब आयु का अंतिम पड़ाव आ रहा है, परंतु अभी तक मैं अपने असली दौलत से लाचार हूँ। यदि मेरे घर में एक भी पुत्र हो जाता तो मेरे हृदय को शीतल हो जाता। Thank you.
हाहाकार मचा हुआ है। मंत्री जी, इसका उपाय शीघ्र होना चाहिए। महाराज, ज्योतिषियों का कहना है कि यदि महाराज स्वयं हल चलाए तो पूर्ण विश्वास है कि प्रजा की सब दुख पूर्ण हो जाएंगे और अवश्य ही वर्षा होगी। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं हल चलाने के लिए तैयार हूँ। मंत्री जी, अब शीघ्र ही जाइए और हल की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा हो महाराज। महाराज, हल का प्रबंध हो गया है, आप शीघ्र ही चलिए और हल चलाइए। Thank you.
बोलो जगत जननी माँ सीता की, माँ सीता की, जगत जननी माँ सीता की। घर में नहीं रख सकता मैं, ये सारे बेकार है, इसलिए मैं छुपाने जा रहा हूँ।
बच्चों को नहीं दूंगा तुम्हारे पास दो। अरे माँ आओ, अरे घर में रख के कोई बाहर नहीं, सारा छुपा देते हैं बाहर। अरे भौजी को दे दियो। ना ना भौजी को नहीं देना, बिल्कुल नहीं। पर ये जंगल काला काला सा हो रहा है पूरा। अरे काला जंगल है क्या? काला काला जंगल दिख रहा है। अरे अरे जंगल नहीं दिख रहे। शोर मत करो महाराज, शोर मत करो। बिल्कुल नहीं, शोर तो बिल्कुल नहीं करना। चलो आओ जगह देखते हैं, ढूंढते हैं, कहीं पे छुपाते हैं सब लोग सोना चांदी। यहाँ तो डाकू रहते हैं महाराज। भारत क्या डाकू? मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं। चिरंजीवी रहो राजन। अंधे महाअंधे, प्रजा लुटा करे और आपके कानों तक खबर ही नहीं। राजन आपके गंगा पार के इलाके में
राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है और ऋषियों का वध किया जा रहा है। कल ही यात्रियों सहित स्त्री और बच्चों को लूटा गया, कितने ही बेचारों की जाने चली गई, कितनों के सर फोड़े गए तथा पूरा प्राण बारिश द्वारा लूटा जा रहा है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, कष्ट निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, असुरों के अत्याचारों से उकताया हो, घबराया हो, रक्षा सहायता यह दो पदार्थ मैं तुमसे लेने आया हूँ। मेरे राज्य में अंधेर और महाअंधेर, जब मेरी प्रजा इस प्रकार दुखी है तो धिक्कार है मेरे लिए। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। हे परमात्मा, तू ही रक्षक है। अच्छा गुरुजी, आपकी जैसी आ गया। मंत्री जी, आप जाइए, राम और लक्ष्मण को ले आइए। गुरुजी, मेरे ताड़ी का रेडी हो चुके, खून खा ताड़ी का। ये हमारे मेगा बाजी नकली वाले भाई फोन पे लगे पड़े हैं। जयकलापशोभितं समस्त भावनाशकं स्वभर्त भीति भञ्जनं भजे राम। बेटा, यह शुभ मारी जो स्वभाव की माता ताड़िका इसी जंगल में निवास करती है, वह बहुत ही मक्कार और जालिम है। जालिम और मक्कार है। बेटा, जो स्त्री Thank you.
मंदिर में Hey!
स्वभाव। अभी मेरी माता बहन है लाश सीन देख के जाए, लाश सीन देख के जाए, रुके। जब आप इतनी देर वेट किया है तो थोड़ा सा और समय दीजिए। हो जाओ दुष्ट, मारे पवन की तरह आ रहा है। एक नारी को, एक नारी को मारकर उछलता है रणवीर, बात कर कहा जाएगा, आप पहुंचाओ मारे। क्यों ज्यादा पक पक करे, कर जुबान को बंद, मातो मातो तीर चला चुका, अब आया भर्जन। ले छटो पाला करनी का फल पा चुकी है, और तू भी अपनी माँ के पास जीवित नहीं जाएगा। अरे क्यों यूं मुंह फाड़ फाड़ कर बातें बनाता है, और व्यर्थ ही मुझे इस प्रकार गुस्सा दिलाता है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो आजा